हेलो दोस्तों, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम। तो दोस्तों, बहुत मैसेज कमेंट कर रहे थे बार बार कि इन ग्रेप के प्रोग्राम बनाइए। तो इनके रेप का प्रोग्राम बनाए तो ऐसे रन करेगा, सिंगल लाइन का है, जैसे हम सिंगल डिजिट लिखते हैं, क्योंकि डबल पे ओवरलैप होता है। जब भी आप लिखोगे सिंगल पे ही लिखोगे। तो अभी आप देख रहे हो ये चल रहा है प्रोग्राम। अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना और लाइक करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं कर भी डिलीट कर दूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये वाला जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कमांड सेलेक्ट करके राइट क्लिक, डिलीट सेलेक्ट करके होल्ड शिफ्ट, ओके राइट, तो सारा ये डिलीट हो चुका है। हम सबसे पहले इस पे जाएंगे, ठीक है। हम इस मोड को एक्टिव करेंगे, एडिट मोड में चले गए और यहाँ से मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा। कीबोर्ड पे मैं ई सेलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करके एंड पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर से ई सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, एंड पॉइंट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड क्लिक करना है, क्रिएट एडिट सिंटैक्स, और इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है ऐसे। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, इस पर मैं वो पेस्ट कर लेता हूँ टिप्स ऑफ डे, ठीक है, अपने चैनल का नाम है ये। अभी डबल डबल में आ रहा कैब जो हमारा, इसको मैं इसमें, ठीक है। तो इससे इसकी लेंथ डिफाइन होती है, लेंथ आप जितनी मर्जी कर लो, साथ साथ में हाइट होती है, ये रेशो होती है स्पेस की, कि आप स्पेस कितना रखना चाहते हो। देखिए आप इस पॉइंट से आप स्पेस एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये तो हो रहा है, आ रहा है डबल, मुझे चाहिए सिंगल। और यहाँ से आप उल्टा कर सकते हो, ये नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, उल्टा लिखा गया। आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, सेंटर में, साइड में, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरफ से, आप यहाँ से अप डाउन चेंज कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये थोड़े से एंगल में आ गए, ये और मोटा अक्षर हो गया, और यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, ठीक है, और ये ऐसे आ गया, क्रॉस लाइन आ गई। तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। तो ये सिंगल लाइन आ गया, बीच में फिल नहीं होगा, आउटर आउटर हो गया। तो हम ऐसा चलाएँगे, ठीक है, हम बिल्कुल सिंगल लाइन चलाएँगे। और यहाँ से मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और नहीं, चलो इतना ही बहुत है ये यहाँ तक। और ये होता है शिफ्ट करने के लिए, कि हॉरिजॉन्टल में आपको कितना शिफ्ट करना है, ठीक है, आप उस हिसाब से अपना शिफ्ट कर सकते हो। और वर्टिकल में आप ऊपर नीचे कितना करना चाहते हो, देखिए अब मैं कितना ऊपर इसको ले गया, ठीक है ना। और अगर आप नीचे करना चाहते हो कितना, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है ओके, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है हमारा, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आप इस पॉइंट, इस कमांड पर जाना है, एक्सप्लोर पर सरफेस इंटू कर्व। अब इसको हमने कर्व में कन्वर्ट करना है, वो कैसे, इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट टू कर्व पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करके होल्ड रखना है, ठीक है, राइट लेफ्ट को ऐसे ड्रैग करना है और राइट क्लिक, ओके। तो ये हमारा अब कर्व में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आप अब कर्व क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू कर्व, और क्लोज वाला बंद कर देना, और यहाँ से आपको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करना है ना, ठीक है, ओके। आप इसको क्लोज वाले को टिक हटा देना, अगर आप इसको करोगे तो वो खराब गलत हो जाएगा, ओके कर लेना, ओके ओके, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस पे जाना है, अभी हम कैम में आ गए दोबारा, यहाँ पे राइट क्लिक करके, आपको वो तो पता ही, आपने वीडियो देखा ही है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रेटजी जो यूज़ करनी है, इनग्रेव की करनी है, तो यहाँ पे ऑन ग्रेव कर्व ग्रेव, और यहाँ पे जाके मैं टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप कोई भी अपना टूल जो होगा आपका रिक्वायरमेंट से, 0.2 की कॉर्नर होगी या 0.0 कॉर्नर होगा, जितना भी उसका होगा, आप उस हिसाब से जितना आपका उसका बॉडी का डायमीटर होगा, तो आपको बस टेपर देखनी है, उसकी टेपर कितनी है, ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अगला जो स्टेप है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम कर्व सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑन सरफेस करना है, ठीक है। कर्व ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है, हमारी कर्व रेट है तो हमारी सेलेक्ट है कर्व, ठीक है।
और उसके बाद हमें क्या करना है, आरपीएम वगैरह आपको तो मालूम ही, वो हमने उसको कुछ नहीं छेड़ना अभी फ़िलहाल। मैं वीडियो जो जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाया उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कर देंगे मल्टी पासिस और यहाँ पे जेड लेवल, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑफसेट में आता है पर हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम यहाँ पे जीरो पे जैसे नॉर्मल टेंजेंट चलाते हैं और यहाँ जेड स्टार्ट जीरो पे, और मान लीजिए हम 2 mm डेप्थ रखना चाहते हैं और 0.2, ठीक है। और यहाँ पे रैम और 0.2 mm का एंगल, ठीक है। तो ओके, अभी हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं राइट क्लिक करके। तो अभी देखते हैं हमारा इनग्रेव का प्रोग्राम कैसे बन रहा है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंगल लाइन चल रही है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ प्रोग्राम, देखिए। तो ऐसे आप ग्रेव का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आप सॉलिड वर्क में एक्सट्रूड करके बनाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वो ओवरलैप में चलता है। उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा कि अगर आपको ग्रेव करना है तो आपको इसी में ही करना है, दूसरे किसी फीचर में आपको ग्रेव ना करें, क्योंकि उससे जो परेशानी होती है, परेशानी ये हो जाती है कि आपको ना ये सिंगल, हमें सिंगल डिजिट लिखना होता है और हमारे जो डायमीटर होता है ना कटर का, उसकी वजह से वो अगर डबल लाइन क्रॉस करेगा तो उससे दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अभी बनाया ना इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ओके, अभी ये टिप्स ऑफ डे है, इसको भी मैं अनटिक कर दूँ। ओके, मान लीजिए मैं दोबारा इस पर गया, ठीक है, हमने अगेन से एक लाइन लगा लेते हैं टेक्स्ट पे, यहाँ पे एंड और यहाँ पे, ठीक है, देख लेते लाइन सीधी, और सॉरी लाइन थोड़ी नीचे लग गई है, मुझे ऊपर किस टॉप सरफेस में लाइन चाहिए। और यहाँ से हम फिर से वही चीज़ करेंगे, लेकिन अब मैं, हाँ, जैसे ये शो हो रहा है ना, हम इसी डिजिट में करेंगे तो वहाँ से दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंटरनल में भी फिर हमारा टूल उसमें कटिंग करता है, जैसे रफ़ कटिंग करता है ना उससे, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। ओके, मान लीजिए हम अब ऐसे ये फिल्ड है इसमें, अभी ये कर्व में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। ओके, अभी ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे हमें इसको ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये अभी देखोगे आप, ये क्लोज में हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं कैम में आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, सेम हर एक चीज़ वही रखूँगा, बस मैं कर्व का जो सिलेक्शन है वो चेंज कर लूँगा, और कर्व मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा 01 वाली, ठीक है, 001। ओके, तो अभी मैं आपको प्रोग्राम जनरेट करके दिखाता हूँ। अभी क्या होगा इसमें, जैसे ये टी है ना, टी ए ऐसे इसके बाहर बाहर चलेगा ऐसे ऐसे साइड साइड में, तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं अभी आपको स्लो करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे जो टूल है हमारा वो अब डबल लाइन चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल में हम डिजिट को लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा टूल ये एस कितना मोटा बन रहा है, एस की थिकनेस कितनी है, ठीक है ना। उसके इसके लिए हमें सिंगल में ही चलाना है, जब भी चलाना है। अगर हम डबल में चलाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए। क्योंकि जब मैं भी कभी कभी स्टैंप लगाता हूँ तो देखिए, अभी हमें पता नहीं है हमारा एस कितना मोटा है, टूल कितना पतला है, हमें क्या पता कौन सा हम टूल लगाएंगे, इसलिए हमें सिंगल ही लगाना है। जैसे कि हम टेपर में होता है इनग्रेव वाला, तो उसकी वजह से हमारा अच्छे से एक प्रोफाइल आ जाएगी। आपको डबल नहीं, आपको सिंगल ही सिलेक्ट करना है जब भी करना है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस देखोगे आप अभी, तो इस कर्व को मैं अभी हाइड कर देता हूँ, शो हाइड, यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप पहले वाला देखोगे, हमने ये जो कर्व बनाई थी, इसका प्रोग्राम रन करूँगा मैं, तो आप देख सकते हो, तो सिंगल लाइन है, बिल्कुल एजेस पे चल रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आपको सिलेक्ट करना है आपको सिंगल में ही करना है, आपको डबल नहीं करना। अगर आप डबल करोगे तो वो डबल में आउटर चलेगा, फिर इनर चलेगा, उसकी वजह से वो आपका ज़्यादा मटेरियल कट करेगा। सिंगल में होगा
उसी एक पाथ में चलेगा, सिंगल पाथ में चलेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा। ठीक है, पहले एक एक डिजिट बना के जा रहा है ये। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक चीज़ कर 3D में चेंज करके देखता हूँ कि 3D में होता है स्टॉक 3D। ओके, यस, ओके। यहाँ पे मैं स्ट्रोक को थोड़ा क्लैरिटी में लेके आ रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ रन करके स्टॉक में यही। ओके, तो आप देखोगे अभी यहाँ पे ये कटिंग कर रहा है। थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर दूँगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर क्लियर दिख जाएगा। और यहाँ पे अभी डेप्थ भी शो हो रहा है, इसकी थोड़ी सी मैं डेप्थ ज़्यादा कर दूँगा, जिसकी वजह से आपको क्लियरली शो हो जाएगा। आप इसकी डेप्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ और यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी हम डेप्थ चेंज कर लेते हैं, 5 mm कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट ऑन सरफेस रखा है, ये सिर्फ सरफेस पे ही कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इन ग्रेव के टूल को। बस यही है कि आपको डबल कमांड नहीं यूज़ करनी, आपको सिंगल में ही यूज़ करना है। ओके, 5 mm हो चुका है, देखिए आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी देखना आप यहाँ से हम स्टॉक लेके फिर अपडेट करते हैं यहाँ से। ओके, देखो ये डेप्ट में कटिंग कर रहा है। तो आप डेप्ट वैसे ही जैसे हम टेंजेंट कर्व में डेप्ट लगाते हैं, वैसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा एक ट्यूटोरियल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।